करेगी तू मुझको फोन बेबी, कर ले मुझको फोन बेबी, बेबे होता है बेबे, यो बेबे, कर ले मुझको फोन बेबे, ओ माय गॉड बेबे बेबे टेक करें भाई, है ना, करते हैं हम। हाँ अब स्टार्ट करना। हाँ नहीं नहीं खुश हूँ, मेरे दोस्त की चिट्ठी आई ना। हाँ सिसोदिया की आई जेल से, मैंने तो उसको बोला था फोन कर ले बेबे, करा नहीं उसने। चलो कोई नहीं, हंसा हंसा लग रहा हूँ ना, ज़्यादा हंसा, खुश खुश लग रहा हूँ मैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है, नमस्कार जी, चिट्ठी आई है जेल से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, दिल्ली के सीएम को याद, मेरे दोस्त की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। प्रिय मित्र केजू, प्यार से मुझे केजू ही बोलता है, फिर नीचे लिखा सर, सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मैं सिर्फ पहली लाइन में लिख रहा हूँ आपको जो बोलना है मीडिया के आगे, कि देश में जो पीएम है वो इस तरीके का पीएम है जी, जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कहीं भी जा करके कुछ भी हस्ताक्षर कर देता है, जिसको पता ही नहीं होता है, साइंस फेयर में जाता है तो भी कुछ भी कह देता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता है, कुछ भी साइन कर देता है, तो ये हमारे देश के लिए कितनी बड़ी विडंबना है। आपको ये बोलना, सिर्फ ये बोल देना है ना, तो इसलिए उनकी डिग्री चेक करने के लिए हम लोग हाहाकार मचा रहे थे, सिर्फ ये बोल देना। अब देखो असली वाली बात, बारह सौ छत्तीस छत्ता मदन गोपाल पराठे वाली गली, सामने वाले पप्पी भाई के सामने नाई बैठता है एक, उसके यहाँ अंदर घुसोगे तो लेफ्ट की तरफ एक वो जा रहा है, क्या बोलते, तहखाना, वहाँ पे मैंने सुरक्षित तरीके से सारा जो भी हमारा प्लान का नक्शा है, पैसे हैं, सब चीज़ें वहीं पे गुफा के अंदर, मतलब सारे बना करके रख दिए हैं, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे पीट ले पाट ले कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये सब चीज़ें ना बाहर नहीं आने दूँगा, आपका अपना सिचो दिया, ये नहीं ख़त्म हो गई, अभी और भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे घर का ध्यान रखिएगा, जो हिस्सा मेरा हमेशा होता है हज़ारों करोड़ों में, वो प्रॉपरली मेरे वाले अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा। मैं अपने तीन रिश्तेदारों के नाम, छगन लाल, पिप्पी बेगम और क्या नाम है, सरिता, और सरिता तो मेरी बीवी है, अच्छा सरिता गर्ग, अच्छा गर्ग है, अच्छा हाँ, उनके यहाँ पहुँचा दीजिएगा जी। आपका दोबारा से अपना सिसोदिया, काम ढंग से कीजिएगा वरना आप भी मेरी तरह अंदर ही आ जाएंगे, ध्यान से, जैन साहब ठीक है अंदर और मैं भी ठीक हूँ बाहर, मतलब अंदर, आशा करता हूँ कि आप बाहर ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से, किस उल्लू के पट्टे ने इसको वो बना दिया शिक्षा मंत्री, वो मैंने तो बनाया था, वही कट कर देना है, तीन तीन चार चार बार लिख रहा, आपका अपना, आपका अपना, भाई हो तो क्या, कितना अपना होगा अब, अच्छा चिट्ठी तो एक बहाना है, राज सामने लाना है, आ गया राज, अब जाऊंगा चांदनी चौक, जाऊंगा मैं खा पी के, मैं आऊंगा मैं अपने राज खोल के, आऊंगा मैं, खूब कमाया जी, झूठ नहीं बोलूंगा कसम गद्दी की, झूठ नहीं बोलूंगा, इतने पैसे मेरे बाप दादाओं ने नहीं देखे होंगे जितने मैं कमा चुका हूँ, और अभी और जब तो ये दोनों हम, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे ना, मैं कल परसों एक पिक्चर देख रहा था जिसके अंदर ना वो अफगान की कोई पिक्चर थी और डब हुई हुई थी, तो एक बड़ा सा बंदा होता दाढ़ी वाला है, उसके आगे दो पिल्ले होते, दो बंदे होते हैं उसके, उनको पता क्या होता है, खाओ मेरे बच्चों खाओ, ऐश करने का, ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे वो,
मेरे को इतना अच्छा डायलॉग लगाना सच में, मैं घर पे जाके भी यही बोल दिया मैंने, खाओ मेरे बच्चों खाओ। एकदम से मेरी बीवी का चांटा आया, चश्मा उधर के उधर, और मेरी बीवी धुंधली दिखने लग गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? ओह पता लगा चश्मा उधर के पंखे पे लटक गया क्योंकि वो दोनों मेरे बच्चे नहीं थे, कंजक लेने आए हुए थे इसलिए चांटा पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं ना। गलतियां हो जाती हैं, क्या करे आदमी। अब जैसे गलती हो गई, दोनों अंदर पहुंच गए, सिसोदिया और सत्येंद्र, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमारा तो जी लोहे का चू कटता है, मेरा लंबे पे कटता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पैसा महफूज है, चिट्ठी में सब बोल दिया उसने, कहाँ क्या कब कैसे क्या होगा, पिन कोड वगैरह सब बता दिया उसने, कौन सी दुकान के नीचे तहखाने के अंदर रखे हैं वो बता दिए उसने। अरे जब भी तो मैं चांदनी चौक चेंज करा रहा था, बाहर रोड रोड पे घूमो नीचे अंदर साहब तहखाने हैं, रात को उतरते हैं मेरे टेम्पू के टेम्पू नीचे जाते हैं सीधा, फर्जी पिक्चर देखिए फर्जी, उसके अंदर नोटों के देखे हैं आपने ढेर, वैसे ढेर है नीचे कितनी का। और मैंने कॉल कर ले बेबे, अब मैं अपनी बेबी को कॉल करूंगा, वाइफ को थोड़ी, वाइफ को बेबी थोड़ी तो बोलते हैं बेबी। चाटा मार दिया एक तो पति के, अरे यार दांत दर्द हो रहा, वो दांत वाले को भी दिखाना है। पर मैं आपको बता रहा हूँ जी, हमारा पीएम सही नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी अगर पीएम नहीं होगा तो आप बताइए क्या होगा, सही है ना? पढ़ा लिखा आदमी को पीएम होना चाहिए, मेरी तरीके के बंदे को। जब आदमी पढ़ा लिखा है तो उसको ये तो पता होगा ना कि कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या पे साइन करना है, कहाँ पे कैसी चीज़ों को देश में लाना है, कैसी चीज़ों को भेजना है। पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी होता आदमी, इसलिए मांगी थी डिग्री। नमस्कार, जय हिंद। अब मेरा चांदनी चौक जाने का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। मैं पता है आपको, मैं सच बोल रहा हूँ भैया, मैं एक फटा रहा हूँ मैं, है ना? तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ना पूरा यूं करके ऐसे हाथ खोल के ना कट रहा होगा इस पर, कोई नहीं ऐसे करके पीछे चला जाता हूँ, नोटों के ढेर पे गिरता हूँ ऐसे एकदम, उड़ते भी हैं कुछ नोट, ओए इफेक्ट जो आता है ना, मेरा मन तो बहुत है वहाँ से वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर मैंने वीडियो बना दिया तो मेरा इतना बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए कुछ बातें राज, ठीक है जी, नमस्कार जी।